नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा और फर्स्ट इंडिया का खास शो विधानसभा लेकर आ पहुंचे हैं हम जायल विधानसभा सीट पे। नागौर जिले की ये सीट, लेकिन इसका कुछ हिस्सा नवगठित जिला डीडवाना कुचामन क्षेत्र में भी आता है। पश्चिमी राजस्थान की ग्रामीण सीट और यहाँ की चुनावी स्थिति की बात कर ले तो पिछले 20 सालों में एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। 2018 में यहाँ पर कांग्रेस ने जीत दर्ज करी और हर बार ये सीट सत्ता लहर के साथ जाती है। जब कांग्रेस थी, कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले भाजपा थी तो भाजपा की सरकार थी, तो विधायकों को काम करने का मौका भी ज्यादा मिला होगा। वर्तमान में कांग्रेस के विधायक है, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड खंगाला जाएगा। इस साल चुनावी समीकरण कई बदले हैं, सियासी उठापटक कई हुई है, उन्हीं को लेकर अंत में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, परिणाम तब आएगा। परिणाम पूरी तरह से जनता पर निर्भर करता है कि जनता के लिए विकास कार्य किसने कितने किए। पिछले 5 सालों में विकास कार्य जनता ने बारीकी से देखे हैं, जमीनी हकीकत पर योजनाएं कितनी लागू हुई और कितनी नहीं, उन सभी के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा है, जमीनी हकीकत टटोलने, साथ ही साथ चुनावी मुद्दों को भी जाने। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड खंगाला जाएगा, एमएलए ने कितने यहां पर काम करवाए, जनता ने जिन उम्मीदों से सत्ता में बिठाया था क्या वो वादे पूरे हुए या रह गए अधूरे। बिल्कुल, नमस्कार, मैं तृप्ति गौतम और लगातार फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर जा रहा है ये जानने के लिए कि क्या कुछ माहौल है हर विधानसभा क्षेत्र का। आज हम जायल विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और आपको बता दें, अगर यहाँ के चुनावी गणित की मैं बात करूँ तो यहाँ का इतिहास रहा है कि 1980 के बाद में 5 बार यहाँ पर कांग्रेस जीती, 2 बार भाजपा और 1 बार बीजेपी, 1 बार कांग्रेस का जो पैटर्न है वो इस जगह पर भी देखा गया। तो कह सकते हैं जो विधायक कई बार ये शिकायत करते हैं कि भाई यहाँ पर बीजेपी का विधायक है लेकिन वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं देखी गई। जब कांग्रेस का विधायक था तो कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी का विधायक था तो बीजेपी की सरकार थी। शुरुआत यहाँ से बीजेपी से ही करना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसे यहाँ पर समीकरण रहे कि कांग्रेस को 5 बार मौका मिला और भाजपा को 2 बार, और पिछली बार भाजपा भी यहाँ पर थी, तो कितने कुछ काम यहाँ पर भाजपा ने करवाए। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बहुत काम करवाया। गिनवा सकेंगे कौन से काम करवाए? हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा काम है कि नहर का पानी या मीठा पानी जो यहाँ लेकर आई है वो भारतीय जनता पार्टी जैल तहसील में पूरे जिले में लेकर आई है। चलिए, मीठे पानी की जो यहाँ पर व्यवस्था हुई वो भाजपा ने करवाई थी, और कौन से ऐसे काम हैं जो भाजपा ने करवाए और जनता से उम्मीद रखता है कि भाजपा को ही इस बार जनता लेकर आएगी यहाँ पर? मतलब अभी माहौल ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के अंदर इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। जब बीजेपी पर सरकार आएगी तो सबका ध्यान रहेगा कि जयल विधानसभा में भी अपन बीजेपी के साथ रहे। हमारा यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं से हम मिलते हैं और वो सारे ये कहते हैं इस बार बीजेपी को हम वोट देंगे। विकास के नाम से जो विकास हो रहा है वह तो अभी बजट 5 करोड़ का हो गया, इससे पहले बहुत कम था। जो MLA को मिलेगा वह तो विकास तहसील के अंदर होगा ही। ऐसी कोई मेरा सवाल बदलती हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी यहाँ पर कांग्रेस का विधायक है, क्या काम कांग्रेस के विधायक ने नहीं करवाए जिसकी उम्मीद भाजपा जनता को देगी कि ये काम नहीं हुआ और इसे हम करवाएंगे? देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे गांव में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सीवरेज की। म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र है, गाँव पूरा खुदा पड़ा है, एक सीवरेज यहाँ जैल में होना चाहिए। दूसरी बात, महात्मा गांधी स्कूलें तो कई सारी खुल गई है लेकिन अध्यापकों का टोटा है, कहीं भी अध्यापक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में बिना किसी भेदभाव के वहाँ पे जितनी पंचायतें थी वहाँ बिल्कुल बिना भेदभाव के सभी जो मिडिल स्कूलें थे उनको सीनियर किया गया। और जो विकास भारतीय जनता पार्टी का किया, यहाँ 4000 करोड़ से जो पानी के जो नागौर जिले में आया है वो भाजपा सरकार ने किया। ये हमारे पानी की यहाँ फ्लोराइड की बहुत बड़ी समस्या। इतने काम तो हमने सुन लिए जो भाजपा ने करवाए थे और कहीं ना कहीं वो आरोप भी सुन लिए जो कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है भाजपा की, स्कूलें तो खुलवा दी, टीचर्स नहीं है, और जो बाकी की चीज़ें हैं यहाँ पर सीवरेज को लेकर खुदा पड़ा है पूरा जायल, लेकिन वो जो प्रोसेसिंग है वो पूरी नहीं हो रही। और ये उम्मीद भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था, भाजपा उनसे कहना चाहती है कि ये सारे काम, ये सारी उम्मीद जो इस बार भाजपा उन्हें दे रही है कि आप हमें वोट देंगे तो ये सारे काम होंगे। ज़रा कांग्रेस से पूछिए, 5 बार कांग्रेस यहाँ पर रही है, बहुत बड़ा अंतराल यहाँ पर उन्होंने देखा है, कितना कुछ काम यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ की जनता के लिए किया, ज़रा उसकी लिस्ट जानिए। देखिए, बिल्कुल भाजपा की तरफ आत्मविश्वास कुछ ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जैसा रिवाज राजस्थान में अब तक रहा है इतिहास का, एक बार भाजपा और कांग्रेस का, वैसा ही रिवाज इस सीट का भी रहा है। तो बात कर लेते हैं कांग्रेस का भी, एक तरफ भाजपा में आत्मविश्वास है, दूसरी तरफ कांग्रेस में योजनाओं का दम है या फिर विधायक के काम में दम है, बात बताएं। दोनों में दम है। राजस्थान सरकार गहलोत सरकार है, उसने ऐसे काम करवाए हैं जो किसी के पास मुद्दा ही नहीं है, और उसके साथ साथ स्थानीय विधायक ने इतने काम करवाए हैं कि विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। ठीक है ना, जो आज ये बोल रहे हैं ना कि ये टोटा है वो टोटा है, इनके पास कार्यकर्ताओं को टोटा था 4.5 साल, ये दिखा ही नहीं यहाँ कहीं विपक्ष था क्या। और जो गहलोत सरकार के कामकाज है
उसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है और उसके अनुसार ही जो घोषणा पत्र है वो बन रहे। चीजों की ये क्या इस पूरी बात इसको नकारते हैं आपकी बात, कोई स्टाफ की कमी नहीं है, पर्याप्त स्टाफ? अभी अभी 58,000 की वैकेंसी आई है उसमें अध्यापकों की, उसमें जो फर्स्ट लेवल के अध्यापक लगे हैं उनमें 700 कुछ बच रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो योजनाएं हैं कहीं ना कहीं घोषणाओं में है, धरातल पर नहीं। कितनी सच्चाई है? महंगाई राहत कैंप हो, चिरंजीवी बीमा योजना हो, गैस सिलेंडर कम में मिल रहे, क्या सच है क्या झूठ? ये पूर्ण रूप से चहुमुखी विकास का अर्थ ही कांग्रेस सरकार है। चहुमुखी विकास का अर्थ ही कांग्रेस सरकार है। कौन से मुद्दे? पर्याप्त स्टाफ को लेकर इन्होंने बात की, लेकिन कुछ समय पहले एक सर्वे में भी ये बात सामने आई थी कि स्कूलें तो क्रमोन्नत कर दी गई है, शिक्षा भवन कई खोल दिए गए, लेकिन उनमें स्टाफ नहीं है, उसको लेकर क्या कहें? नहीं हो रही है मैम, जल्दी से जल्दी, अभी कल परसों ही है, जैसे मान लो आप यहाँ शिक्षकों की नियुक्तियाँ करवा रहे हैं, बहुत जल्द हो जाएगी लग रहा है। भर्ती हो रही है और चीजों को लेकर? इससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 10 दिन के अंदर रिजल्ट आके डीवी ओके ज्वाइनिंग दे दी गई है, ये कांग्रेस सरकार के राज में ही हुआ है। देखिए कांग्रेस के पास अपने मुद्दे हैं तृप्ति, लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी तक की तरह तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही, राजनीतिक मुद्दों पर हम बातचीत करिए, जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उन मुद्दों पर भी बातचीत होगी जो जनता के लिए जरूरी है, लेकिन मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस का था। कांग्रेस यहाँ पर आई, यहाँ पर विधायक, यहाँ पर वर्तमान विधायक कांग्रेस की हैं, लेकिन इससे पहले भाजपा के पास भी मौका था। क्यों यहाँ की जनता स्विच करती है? जातीय समीकरण के चलते करती है, काम के चलते करती है, या फिर राजस्थान की जनता के पास कोई विकल्प नहीं है इसलिए स्विच करती है? बिल्कुल, विकास कार्य कितने होते हैं कितने नहीं होते, जनता क्यों बीजेपी के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के बाद में बीजेपी को मौका देती है, उसका जवाब जरा यहाँ पर जान लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? व्यक्ति विशेष पर चुनाव है, पार्टी पर चुनाव है, क्या है? क्यों जनता विकास कार्य या तो भाजपा नहीं करवा पाती इसलिए कांग्रेस पर भरोसा जता देती है, और फिर जब कांग्रेस नहीं कर पाती तो वापस भाजपा पर भरोसा जताती है, ऐसा होता है क्या? झायल विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ वहाँ पे खुले आम भ्रष्टाचार है, बिना पैसे एक भी काम नहीं होता है, और पैसे दो और काम करवाओ। कांग्रेस को मौका दिया जनता ने, लेकिन उससे पहले भाजपा को भी तो दिया था। भाजपा ने कितने कुछ विकास कार्य किए और क्यों रिपीट नहीं हो पाई? फिर भाजपा ने चहुमुखी विकास किए हैं, जैसे गौरवपथ गांवों में अपर अपन चले जाते हैं तो वहाँ पे इतना किचड़ था, लेकिन उन्होंने गौरवपथ बना के हर गाँव में हर विकास का काम किया। आज वहाँ पे ना सड़कें सही मिल रही है, पानी का ले है, कई काम है भाजपा ने, बहुत काम है, जो अनगिनत काम है जो आप चलिए जरा इन अनगिनत कामों की गिनती यहाँ पर कर लेते हैं। अगर भाजपा से मैं ये जानना चाहूँ कि यहाँ पर कितना कुछ काम भाजपा ने करवाया था तो मुझे जरा लिस्ट में बताइए 1-2-3 में कि कौन से ऐसे बड़े काम थे जो यहाँ पर भाजपा ने करवाया और जनता उन्हें वोट जरूर देगी इस बार? भाजपा ने सबसे तो ज्यादा ढाणियों और गाँव में दूर दराज ढाणियाँ थी उनमें दीनदयाल उपाध्याय से लाइट के कनेक्शन करवाए मात्र 500 रुपये में, और उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए हैं महिलाओं को जो ढाणियों में थी, उनके हालत खराब थी उनकी। उसके बाद में हमारे जेल में डाक बंगला बनाया, हमारे ITI खेड़ा रोड पर, और हमारे पानी की जो समस्या बताई आपने, आपको वो कंप्लीट सॉल्व की, और इसके बाद जाहिल कॉलेज का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, इन सरपंच साहब ने जमीन आवंटित की ITI कॉलेज की और इसकी अपने कॉलेज की। सरपंच साहब से भी बात करेंगे, लेकिन एक बार जरा यहाँ पर डिम्पल मैं कह सकती हूँ वो लिस्ट यहाँ पर भाजपा ने दिए, चाहे स्कूल खुलवाने की बात हो, कॉलेज खुलवाने की बात हो, पेयजल की बात हो, जो बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारी जगहों पर सामने आती है कि यहाँ पर पेयजल नहीं है, तो उस समस्या को भी यहाँ पर भाजपा ने पार पाई थी। देखिए हर जगह की ये समस्या होती है कि जब विधायक किसी दूसरी पार्टी से हो और सत्ता में कोई और पार्टी हो, लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि जिसका विधायक रहा वहीं की सरकार रही, तो जाहिर तौर पर काम करवाने में भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। भाजपा के पास ये मुद्दे क्यों हैं कि काम करवाया तो भाजपा ने अपने कार्यकाल में करवाया, कांग्रेस ने कोई काम नहीं करवाया? अभी कांग्रेस की सरकार आने के बाद जाहिल विधायक जो है डॉक्टर मंजू जी मेघवाल, इन्होंने जिस उम्मीद से जनता ने उनको वोट दिए थे उससे 50 गुना ज़्यादा काम करवाए। जाहिल को नगर पालिका बनवा दिया, जाहिल जो हॉस्पिटल वहाँ एक डॉक्टर होता था उस जाहिल हॉस्पिटल को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया, आज वहाँ 10 डॉक्टर हैं, वहाँ सर्जरी हो रही है, पहले यहाँ कोई सर्जरी नहीं होती थी, यहाँ से सीधा लोगों को नागौर रेफर करना पड़ता था, जाहिल को नगर पालिका बना दिया। कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर काम कौन सी पार्टी ने किया और क्या काम किया? कांग्रेस क्या काम किया? कांग्रेस काम जाहिल तहसील में मंजू जी मेघवाल मंत्री जी काम करियो, जो को आज 40 साल नहीं करियो तो काम करियो, खियाड़ा में पानी बेच दियो, फुल ढाणी ढाणी पानी बेच दियो, लाइट बेच दी, शमशान भूमि की 6 लाख रुपया लग गया, बाउंड्री कटा दी, मांग चौकदारा मैं चौकदार नहीं बोलूँ, मारो नाम नारंगी बोले मैं चौकीदार नहीं हूँ, एकदम काम सही कराइयो, आज 40 साल में नहीं करायो जो तो मंजू जी 5 साल में कराए। ऐसा मौका क्यों होता है हर बार की कांग्रेस के बाद, क्योंकि हर बार अब तक तो स्विच होती है, ये 20 साल में ऐसा नहीं होगा कि 2023 में भी कहीं भाजपा पे चल जाए जनता?
मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ 2023 में डॉक्टर मंजू मेघवाल जीतेगी। यहाँ से इन्होंने इन्होंने ऐसे काम किए हैं जो को 1952 से लेकर आज तक नहीं किए किसी विधायक ने। जितने काम किए जिनकी आइंदे कोई भी एमएलए होगा तो ये मुश्किल असंभव तो नहीं लेकिन मुश्किल है इतना काम होना। यहाँ एडीजे कोर्ट खुला है, यहाँ म्यूनसिपल्टी खुली है, यहाँ कॉलेज खुला है, चिरंजीवी योजना है, गरीबों को राशन में राहत है, बिजली फ्री है, स्कूलें खुल गई। हमारे पास में अजबरा एक स्कूल है ढाणिया है, वहाँ मिडिल स्कूल थी, वहाँ सीनियर करा दी, वहाँ बच्चे लड़कियाँ हैं वो आराम से हैं, वहाँ बस के कोई साधन नहीं है वो बढ़ काम कांग्रेस ने कही करवाया। और उन्होंने एक बात कही कि जो मुश्किल काम थे वो भी करवाए थे, असंभव नहीं थे, किसी के भी कार्यकाल में हो सकते थे। कांग्रेस के पास योजनाओं का दम है और अपनी योजनाओं के पुल पर ही प्रचार प्रसार भी कर रही है। विधायक के काम को लेकर भी बहुत आत्मविश्वास से कह रही है कि विधायक ने यहाँ पर इतना काम करवाया कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। राजनीतिक मुद्दों पर तो लगातार तृप्ति चर्चा हम कर ही रहे हैं, हम चाहेंगे कि आगे बढ़े शो के अंदर और राजनीतिक मुद्दों से अलग हटकर वो मुद्दे भी जरा जान लेते हैं, क्योंकि 70% जनता के लिए जो काम हुए हैं, पार्टी ने जो काम करवाए उनको लेकर तो सभी बात करते हैं, लेकिन जो अछूते रह गए मुद्दे 30%, जिन विकास मुद्दों की अभी भी जरूरत है किसी विधानसभा में, उन मुद्दों पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, अब तक हमने ये जान लिया कि कौन जीता, कौन हारा और क्या कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से ये चुनौती उन्हें देखनी पड़ी। तो ये सारे मुद्दों को हटाकर अब जरा बात कर लेते हैं उन मुद्दों के ऊपर जो जायल का आमजन चाहता है कि जरूर हो। विधायक कोई भी आए, पार्टी कोई भी आए, लेकिन वो सारे मुद्दे पूरे हों जो अधूरे रह गए थे, अछूते रह गए थे और जिन पर काम नहीं हुआ। जनता माई बाप है और देखेगी कि किसने कितना विकास कार्य किया है, तो जनता के लिए कितना कुछ काम किया वो तो जान लिया, लेकिन अब कौन सा ऐसा काम है जो जनता चाहती है आगे हो। और एक कह सकते हैं एक लिस्ट है जो आगे आने वाला विधायक 2023 में कोई भी आए उसके लिए वो लिस्ट होगी कि यहाँ पर कौन से काम बचे हुए हैं और वो करवाने। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। लगातार वो मुद्दे हम जान रहे थे जायल विधानसभा सीट के, नागौर जिले की जायल विधानसभा सीट और उस पर चुनावी मुद्दे और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। 20 सालों में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का पैटर्न राजस्थान के इतिहास की तरह यहाँ भी चलता रहा, लेकिन काम कितने हुए। भाजपा के पास भी मौका आया, कांग्रेस के पास भी मौका आया, भले ही कांग्रेस को मौका ज्यादा मिला हो लेकिन पिछले 20 सालों में आंकड़ा बराबर रहा है। काम के मुद्दे कौन से, अब तक उन मुद्दों पर तो बातचीत कर ली, पार्टियों ने दावे भी कर लिए, हमने ये करवाया हमने वो करवाया, लेकिन वो कौन से मुद्दे हैं जो जनता अभी भी उम्मीद की राह देख रही है कि इन मुद्दों पर आगे कौन काम करेगा। तो तृप्ति जान लेते हैं वो मुद्दे भी जिनको लेकर काम होना भी बाकी है। बिल्कुल, उन मुद्दों की तरफ भी पढ़ेंगे जिन पर अभी काम होना बाकी है, ना भाजपा ने करवाए ना कांग्रेस ने, और इस बार 2023 में वो विधायक जो यहाँ पर आए वो करवाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर थर्ड पार्टी आरएलपी मौजूद है, जरा इनसे जान लेते हैं कि इस बार इनका कौन सा मुद्दा रहने वाला है चुनावी मैदान में उतरने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा होगा इंदिरा गांधी लेयर जायल में। और इसके अलावा? इसके अलावा दोनों पार्टियां कह रही है कि हम सही सबसे ज्यादा भ्रष्ट तहसील जायल है, बीजेपी के राज में भी हुआ है कांग्रेस के राज में भी। अब शुरुआत करते हैं उन स्थानीय मुद्दों को जानने के लिए। एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि ऐसा कौन सा मुद्दा जो यहाँ की जनता चाहती है काम जरूर हो लेकिन हुआ नहीं। कोरोना के बाद में जो को मिल रहा था फ्री में सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो आज 1.5 साल से हमारे हिसाब से पूरा जीरो परसेंट मिल नहीं रहा गरीबों को फ्री में। दूसरा मुद्दा है जो अभी विधायक है उनको ये तत्काल निवेदन है कि भाई सीवरेज है जेल की बहुत बड़ी मांग है, हर जगह रोड फूट रही है, नाली टूट रही है, तो इसलिए मोटा मुद्दा यही है जेल का। तो कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर काम होना जरूरी है बाकी है अभी? काम तो कई बाकी है, जो भारतीय जनता पार्टी आएगी तो सारे मुद्दे पूरे करेंगे, जैसे किसानों का कर्ज माफ है। क्या कहेंगे, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर काम होना भी बाकी है? यहाँ बहुत बड़ा मुख्यालय है जेल, SDM मुख्यालय है, तो यहाँ मेन बड़ी बस अड्डे की कमी है, बस अड्डा होना चाहिए, बस अड्डे की कमी है यहाँ पर। क्या कहेंगे, कौन सा ऐसा मुद्दा जिसको लेकर काम जरूर हो अभी? मेन तो बस स्टैंड का सीवरेज लाइन का ही है, सीवरेज और बस स्टैंड। इसके अलावा कोई मांग? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए बेरोजगारी, क्या कहेंगे एक लाइन में एक मुद्दा कौन सा है यहाँ पर? सबसे बड़ा मुद्दा है चिकित्सा के क्षेत्र में, उप जिला चिकित्सालय घोषित कर दिया, नाम मात्र का है, 50 बेड है, ओपीडी की खिड़की एक है, काउंटर पर एक बैठता है डॉक्टर, महिला डॉक्टर कोई एक दो है या है भी नहीं है, और राजनीति का अड्डा बना के रखा है। रेलवे लाइन होनी चाहिए यहाँ पे, रेलवे लाइन होनी चाहिए, बस अड्डा होना चाहिए, सीवरेज होनी चाहिए। इसके अलावा अभी जो हरियाणा गवर्नमेंट की बसें देखी और राजस्थान गवर्नमेंट की जो रोडवेज की बसें हैं, इतना अंतर उनमें है
कि आप देखो कि वास्तव में राजस्थान रोडवेज की बसों की कंडीशन बहुत ख़राब है। रोडवेज के कर्मचारियों को पेमेंट समय पर नहीं मिल रहा है और उनके पेंशन वगैरह बहुत दुखी हैं। वो है जो हरियाणा रोडवेज की बसों में कंडक्टर ड्राइवर के पास में वो ऑटो रिमोट कंट्रोलर है, गेट वहाँ बंद होते हैं, नहीं तो यहाँ पे खिड़कियों पे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है। चलिए मुद्दा बताइए जिसको लेकर काम होना चाहिए, आमजन परेशान है। आमजन परेशान एक तो सबसे बड़ा है, किसानों की समस्या है उसकी कोई सुनने वाला नहीं। किसान एक साध्य बन गए हैं, किसान के नाम पर इतनी लूट खसोट हो रही है, इतना चला जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार से आम आदमी चाहे किसी की भी सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो और किसानों के लिए काम हो, ये कहना है। एक लाइन में जवाब दीजिए कौन सा यहाँ पर काम होना चाहिए। दो सबसे महत्वपूर्ण काम हम चाहेंगे, एक तो हमारे जेल में पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या, जल भराव समस्या होती है, जल भराव बरसात के टाइम में जल भर जाता है, तो पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरी कचरा तो संग्रहण हो रहा है लेकिन उसके लिए भी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ कचरा ठीक से डंपिंग यार्ड बनाए ढंग से। आप मुझे बताइए कोई ऐसा काम जिसको लेकर यहाँ पर अब तक काम नहीं किया, ना भाजपा ने करवाया ना कांग्रेस ने, लेकिन अब कोई भी आए चाहे भाजपा या कांग्रेस को काम जरूर है। जो भी कोई पार्टी आती है अपनी अपनी घोषणा करते हैं, लेकिन हमारा एक ये कि जेल के अंदर रास्ता नहर का पानी तो आ गया पीने के लिए, रास्ता नहर का पानी खेतों के अंदर आना चाहिए, जिस प्रकार गंगानगर में बीकानेर में आया वही जेल की जनता चाहती है। चलिए क्या कहेंगे, कोई ऐसा मुद्दा जिसको लेकर वहाँ बैठी सरकारें जाने और जाने की यहाँ पर वो होना बहुत जरूरी है। विधानसभा क्षेत्र में माताजी मंदिर शक्तिपीठ है, वहाँ पर रेल बिजनेस रेल होना चाहिए। क्या कहेंगे कोई मुद्दा, पानी की लाइनें तो पड़ी है कई जगह लेकिन वहाँ पानी नहीं आ रहा, जैसे ये हमारा मांझी आसपास है। क्या कहेंगे कौन सा ऐसा मुद्दा जिसको लेकर काम हो। मैं आरएलपी से हूँ, मतलब जायल तहसील में लगभग 42 मर्डर हो गए हैं, उसका मतलब मुकदमा तक दर्ज नहीं होता है। क्या कहेंगे कोई ऐसा मुद्दा जिसको लेकर काम होना बेहद जरूरी। विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ एक रेलवे स्टेशन है जो बड़ी खाटू, वहाँ भी पैसेंजर ट्रेन नहीं रुक रही है, बहुत जरूरी है। जायल में पूरा क्षेत्र में कहीं भी ट्रेन नहीं है। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी कह सकते हैं, सुखद तस्वीर जो है वो मुझे इस साइड से नजर आई कि पार्टी कोई भी हो लेकिन यहाँ पर काम कौन से रह गए हैं, कौन से ऐसे काम है अधूरे हैं जिससे जनता परेशान है, वो सारे ही काम यहाँ से गिनवाए गए, चाहे वो सीवरेज को लेकर हो, पानी की निकासी को लेकर हो, डंपिंग यार्ड को लेकर हो, रेलवे लाइंस को लेकर हो, बस अड्डे को लेकर हो, हर एक चीज आमजन ने बताई, एक आमजन बनकर बताई है कि ना कोई पार्टी कार्यकर्ता है ना समर्थक है, वो आमजन है जो चाहता है ये सारे काम हो। तो सर उस साइड से पूछिए कि ऐसे और कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर काम होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ ही दिनों में चुनाव है। जो भी विधायक आएगा वो इन कामों पर जरूर काम करे, इन कामों को एक बार ध्यान में रखे कि ये काम मुझे जायल में करवाने हैं और इसके लिए वो तैयारी भी पूरी रखे। जरा पूछिए। देखिए भाजपा ने तो अपने मुद्दे वो बता दिए जिनको लेकर काम होना चाहिए, अब तक जायल में उन्होंने बताया चाहे विधायक किसी का भी आए, कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर काम होना चाहिए। नहीं बहुत काम किया था मंजू जी मेघवाल ने, बहुत काम किया था। कांग्रेस ने कोई मुद्दा छोड़े नहीं, इतना विकास किया, किसी के पास में कोई जवाब ही नहीं मांगने के लिए। जायल के अंदर रोडवेज डिपो का चाहिए जरूर, डिपो का मुद्दा यहाँ से बताइए कौन सा मुद्दा है। आगामी चुनाव के लिए एडिशनल ऑफिस होना चाहिए, एडीएम ऑफिस होना चाहिए और किसानों के लिए नहरी लाइन यहाँ आ जाए। ऐसे ही मुद्दे यहाँ पर सामने आ रहे हैं और बताइए मुद्दा किस पर काम होना चाहिए। मैम ये बात बोले थे, अभी जैसे बारिश का मौसम, किसानों आम किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, फसलों बर्बाद हो गई है, सीएम साहब से यही निवेदन कर रहे थे जो आम किसान वर्ग है उसके फायदे के लिए, जो भी जो किसान लोग हैं फसलें चौपट हुई, जैसे मूंग बाजरा जो भी यहाँ की फसल होती है पूरी खत्म हो गई है, तो किसानों के लिए कुछ ना कुछ करे। जो क्या बताइए जिसको लेकर काम होना चाहिए, बस डिपो को लेकर कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि काम हो गया, क्या हो गया उसको लेकर काम। बस डिपो का यहाँ पे आ रखा है बजट, कार्य शुरू होने वाला है। चलिए उसके अलावा और कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर काम हो रहा है। सारे मुद्दे कंप्लीट हैं, मुद्दा बताइए, मुद्दे बताइए जिसको अधिकतर काम यहाँ हो चुका है, काम की जरूरत ही नहीं। देखिए तृप्ति ये कह सकते हैं कि एक तरफा बात यहाँ पर सामने आ रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस यहाँ पर विधायक है, पार्टी अपने अपने दावे तो करती है और हर जगह एक अलग अलग तस्वीर हम देखते हैं, हर जगह एक अलग अलग तस्वीर नजर आती है। मुद्दे कितने पूरे हुए और कितने रह गए, एक तरफ भाजपा से सामने आ रहे रोडवेज को लेकर हो, जल निकासी को लेकर हो, इतने मुद्दे, कांग्रेस कह रही काम इतने हो गए कि विषय कोई मुद्दे का बचा ही नहीं है, तो फिर सवाल कहां उठता है ये कौन से मुद्दे हैं जो निकलकर सामने आते हैं। पार्टियों से ऊपर उठने का मतलब है वो मुद्दे जो आमजन के तौर पर, जायल के निवासी होने के तौर पर जनता चाहती है, ताकि हमारे शो के आधे हिस्से में तो राजनीतिक मुद्दों पर भी बात हो, क्योंकि डिबेट है, पार्टी आमने सामने है, सवाल जवाब भी यहीं पर है, लेकिन उनके साथ साथ यहाँ के आमजन होने के नाते जनता से भी वो सवाल पूछे जाएं कि कौन से मुद्दे जिसको लेकर कोई भी पार्टी काम करे। क्या डिंपल ये मुमकिन है कि जो मुद्दे यहाँ से गिनवाए गए हों
उसको ये कह दे कि यहाँ पर हो गया है। अगर बस अड्डा यहाँ पर है तो क्या ये मुमकिन है कि भाजपा उसको इतना इजीली नकार देगी कि बस अड्डा है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने इतने सारे मुद्दे गिनवाए जिसमें रेलवेज भी हैं, बस अड्डे को लेकर भी है, सीवरेज भी है, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी इन्होंने बात की, डंपिंग यार्ड को लेकर भी इन्होंने बात की, और कांग्रेस का ये कहना है कि कोई मुद्दा बचा ही नहीं है काम करने के लिए। तो क्या ये मुमकिन है कि इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद कांग्रेस ये दावा करे कि यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं बचा काम करने के लिए? सवाल ये भी हो सकता था कि अगर कांग्रेस का विधायक ही वापस आता तो कौन से यहाँ पर कह सकता है काम बचे हुए थे जो करवाते, तो शायद उनसे हमें जवाब मिल जाता कि यहाँ पर और कौन सा काम अधूरा है जिसको लेकर काम करें। तो पार्टी बाजी को छोड़कर, पार्टी से ऊपर उठकर जो मुद्दे हमने यहाँ पर जाने थे वो इसीलिए जाने थे, और फर्स्ट इंडिया का उद्देश्य भी यही है इस जगह पर आने का, हर जगह जाने का, कि वहाँ पर राजनीतिक बातें तो हम जाने ही, उसके साथ साथ जाने वो स्थानीय मुद्दे जो वहाँ के निवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस विधानसभा क्षेत्र का जो सफर था उसको यही रोकता है। सारी बातें हमने जान ली अपने दर्शकों तक और वहाँ बैठी सरकारों को भी बता दिया कि कौन से काम यहाँ पर होने चाहिए। अब ऐसा करते हैं, अगली विधानसभा की ओर रुख करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।